स्मार्टफोन हमारी लाइफ स्टाइल का एक अहम हिस्सा है। पर्सनल काम से लेकर ऑफिशियल वर्क तक में इसका काफी यूज है। स्मार्टफोन के लिए सिम कार्ड भी जरूरी है, जो मोबाइल नंबर, कॉल, एसएमएस और हैंडसेट में इंटरनेट डेटा एक्सेस करने की सुविधा देता है। वर्तमान समय में तो सिम कार्ड दो तरह के ही अवेलेबल हैं, जिनमें एक है फिजिकल सिम कार्ड और दूसरा है ई सिम। सिम कार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी कहा जाता है। इसकी मदद से मोबाइल को नेटवर्क टावर से कनेक्ट किया जाता है। फिजिकल सिम कार्ड के लिए मोबाइल में स्पेस की जरूरत होती है। ऐसे में मोबाइल कंपनियों को स्लिम डिजाइन डेवलप करने में एक तरह से रुकावट पैदा करता है। इसलिए अब वर्तमान समय में फोन में ई सिम का फीचर भी मिल रहा है और भविष्य की जरूरत को देखते हुए आई सिम को भी तैयार किया जा चुका है। अब सवाल आता है कि फिजिकल सिम, ई सिम और आई सिम में क्या अंतर है। फिजिकल सिम का एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट ई सिम है। ई सिम हैंडसेट के अंदर प्री इंस्टॉल होता है। स्मार्टफोन में ई सिम का सेटअप लगाने के लिए QR कोड को स्कैन करना होता है। ई सिम सपोर्ट वाले बाजार में ढेरों स्मार्टफोन आते हैं। हालांकि यह फीचर सिर्फ प्रीमियम या फिर फ्लैगशिप हैंडसेट में देखने को मिलता है। कुछ कंपनियों ने मिड रेंज के फोन में भी यह फीचर देने की कोशिश की है। ई सिम के फायदे की बात करें तो हैंडसेट चोरी होने के बाद चोर जल्दी से सिम को डिलीट नहीं कर पाएंगे। साथ ही ई सिम फोन को स्लिम बनाने में मदद करता है। इंडिया में ई सिम के एक्टिवेशन के बाद पूरे एक दिन SMS नहीं आते हैं। ऐसा सेफ्टी के मद्देनजर किया जाता है। आप बात करते हैं लेटेस्ट सिम इनोवेशन की, जिसे आई सिम नाम दिया गया है। आई सिम एक लेटेस्ट इनोवेशन है और सिम कार्ड की टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। यह मदरबोर्ड के साथ आता है, जिसकी वजह से कंपनियों को हैंडसेट का साइज छोटा करने में मदद मिलती है। आई सिम को एक्टिवेट करने के लिए एक सिक्योर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। फंक्शन की बात करें तो आई सिम कुछ हद तक ई सिम की तरह काम करती है, लेकिन यह ई सिम के नेक्स्ट लेवल वर्जन है। आई सिम में दमदार फंक्शन मिलते हैं। पहला तो इसमें बेहतर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। आई सिम कम पावर पर काम करता है और इसमें बेहतर नेटवर्क कंपेटेबिलिटी मिलती है। साथ ही फास्ट इंटरनेट स्पीड भी देखने को मिलती है। आई सिम का साइज ई सिम की तुलना में काफी छोटा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आई सिम का साइज ई सिम की तुलना में 98% छोटा होता है। साथ ही यह ई सिम से 50% तक सस्ती है और 70% कम पावर की खपत करती है। तो तैयार हो जाइए सिम कार्ड के नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन को यूज करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।